ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनोऽवधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शांति 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 हरि ओम। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संतोष चौबे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी शैल कंटिन्यू द इंग्लिश क्लास व्हिच वी स्टार्टेड सम डेज अगो। कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो इंग्लिश की क्लास आरंभ की थी उसी को हम लोग आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को फिर से एक बार सॉरी बोलना चाहूँगा कि जो क्लास हमने स्टार्ट की थी वो क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई कुछ वजह से, लेकिन अब आपकी इंग्लिश, मैथ्स और जीएस के जो क्लासेस है वो कंटिन्यूटी में चलेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं आज की क्लास की। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का जो इंट्रोडक्शन है यह पार्ट टू, मतलब आज एक तरीके से हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखो, देर इज़ नो डाउट दैट इंग्लिश इज़ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड डायनेमिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश दुनिया की सबसे प्रगतिशील और कहा जा सकता है कि सबसे गतिशील विषय है। नित प्रतिदिन इंग्लिश में नए नए शब्द जुड़ते जा रहे हैं एंड फर्दर मोर ऑलमोस्ट 18.8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दैट इज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, स्पीक इन इंग्लिश। हम लोग बात करें तो दुनिया के लगभग 18.8% लोग, जो अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि लगभग 1/5 पॉपुलेशन जो है वो अंग्रेजी बोल रही है। और इंग्लिश को हम लोग लिखने के लिए जिस राइटिंग स्टाइल का प्रयोग करते हैं उसको रोमन लिपि कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट 70% लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड आर बींग रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट। दुनिया की लगभग 70% जो भाषाएँ हैं वह रोमन लिपि में ही लिखी जा रही है। तो कितना इम्पॉर्टेंट है ये अंग्रेज़ी, आप इसे समझ सकते हो, एंड दैट इज़ वाई इन एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। और यही कारण है कि इससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मैं इतना आपको बार बार फिर से बार रिमाइंड करना चाहूँगा कि अगर आपने इंग्लिश पर कमांड अच्छा कर लिया और आपको कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है तो आप अपने सर्वाइवल के लिए किसी पर डिपेंडेंट कभी नहीं रह सकते हो। चलो हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखो, मैं बता चुका हूँ आपको कि मेरी जो क्लास है वो उन बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश एकदम जीरो आती है। मतलब इसका मतलब सीधा मतलब यह है कि देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जीवन के सपने तो बड़े हैं लेकिन वे इंग्लिश का भाव, इंग्लिश के कारण से वो आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं और उनको एक अंग्रेज़ी सीखने के लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो मैं यहाँ पर एक आपके लिए अंग्रेजी सीखने का एक नया और अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ। देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में बातचीत की थी कि जहाँ तक इंग्लिश को सही रूप से लिखने और सही रूप से बोलने की बात है, फॉर दैट पर्पसेस वी रिक्वायर्स इंग्लिश ग्रामर। जो भाषा अंग्रेजी को सही लिखना है और सही बोलना है उसके लिए हमें अंग्रेजी व्याकरण की जरूरत पड़ती है। और मैं हम लोगों ने बातचीत की कि एज फार एज रोमन स्क्रिप्ट इज कंसर्न, इट हैज 26 लेटर्स। जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें 26 जो है वो वर्ण है, एंड दिस 26 लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन पार्ट इज कॉल्ड इज वोवल एंड सेकंड इज कॉल्ड कंसोनेंट। जो 26 लेटर हैं उनमें से 5 लेटर को हम लोग वोवल या स्वर कहते हैं और जो 21 रिमेनिंग लेटर इसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। फर्दर मोर वी ऑल्सो डिस्कस दैट वाई एंड डब्ल्यू आर कॉल्ड एज सेमी वोवल बिकॉज समटाइम्स दे आर यूज एज वोवल एज वेल एज कंसोनेंट। जो आपको वाई और डब्ल्यू हैं इनको हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं क्योंकि कभी कभी इनका प्रयोग जो है वह स्वर के रूप में भी होता है व्यंजन होने के बावजूद। जैसे मैंने बताया था, जैसे क्राई है, जैसे गुटराई है, यहाँ पे जो साउंड है वह वाउल साउंड है इसलिए इसको वाउल माना जाता है यहाँ पे। और जैसे कि वाउ है तो वाउ को मैंने बताया था कि यहाँ पर भी जो डब्ल्यू है यहाँ पर भी इसका साउंड जो है वह आपके वाउल की तरह है, इस कारण से इसको हम लोग यहाँ पर सेमी वाउल के रूप में पढ़ते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको फोनीम्स, मैंने आपको मॉर्फीम्स, इन सब के बारे में भी बता दिया था। तो मैं ये सब इसका आपको इसको रिवाइज करा रहा हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो पिछला वीडियो है उसको आप जा करके देख लें ताकि आप इस क्लास को कंटिन्यूटी में आगे बढ़ा पाएंगे और सही तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग बातचीत करें
देखिए तो अब इंग्लिश क्या है, दिस इज ए लैंग्वेज एंड लैंग्वेज रिक्वायर्स इफ वी वांट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हो तो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें हमें आप भाषा की जरूरत पड़ती है, हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। आप कह सकते हो कि लैंग्वेज इज ए मीन्स बाई विच वी एक्सप्रेसेस आवर सेल्फ बाई स्पीकिंग। भाषा एक तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने आप को बोल करके व्यक्त करते हैं। तो जब हमारे यहाँ पर भाषा की बात आती है, देखो भाषा में सबसे जो छोटी यूनिट है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है उसको हम लोग कहते हैं वर्ड, या जिसको कहते हैं लोग शब्द, उसको हम लोग कहते हैं शब्द। और शब्दों को जब एक सार्थक रूप में मिला जाता है तो वहाँ पे बन जाता है वो एक वाक्य या सेंटेंस, और सेंटेंसों से ही हम अपने विचारों या भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखें कि हम लोगों का जो सिलेबस रहेगा, हम लोगों का जो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वह जो सभ्यता पाठ्यक्रम है या पाठ्यक्रम वास्तव में क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम देखिए वर्ड के बारे में बातचीत करेंगे। तो हम लोग क्या बात करेंगे वहाँ पे वर्ड के बारे में, थोड़ा थोड़ा केवल आपको ब्रीफिंग यहाँ पे दूंगा, बाकी बाद हम लोग हर क्लास में ढेर सारी क्लासेस में पढ़ेंगे और उसमें डिटेल पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वर्ड के बारे में। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि वर्ड क्या है। तो इट इज कलेक्शन ऑफ लेटर्स विच हैज डेफिनेट मीनिंग। तो यहां पर देखो क्या हो गया कि वर्ड या शब्द क्या है। तो इट इज कलेक्शन ऑफ लेटर्स, यह वास्तव में वर्णों का समूह है। तो वर्णों का कैसा समूह, विच हैज डिफरेंट मीनिंग, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। ऐसे हम लोग वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने लिखा RAC। अब यहाँ पर देखो आप पता है आपको कि RAC का कोई भी निश्चित मीनिंग नहीं होगा, लेकिन अगर इसको थोड़ा प्रोसेस कर ले, इसका प्रसंस्करण कर ले, तो यह हो जाएगा CAR, यह हो गया कार। यह भी यहाँ पर वही लेटर हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इन लेटर को मिलाने से एक डेफिनेट अर्थ निकल रहा है, कार दैट इज ए टाइप ऑफ व्हीकल। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि कार इज अ वर्ड। कार क्या है, कार यहाँ पर कहा जाएगा एक शब्द है। इन शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य या वाक्य बनते हैं। और जो शब्द हैं अंग्रेजी में 8 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसको कहता है पार्ट ऑफ स्पीच। बोलने के जो आपके खंड हैं कि कितने प्रकार के हम लोग वर्ड का प्रयोग करते हैं, 8 प्रकार के वर्ड का प्रयोग करते हैं हम लोग। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और सिलेबस के माध्यम से ही बहुत कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आ जाओ, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं इसको समझाने के लिए बताने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी। पहले हिंदी में सुन लो, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो हिंदी से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो पहले उनको मैं हिंदी में कंफर्टेबल बनाना चाहता हूँ। आप एक तो आप अंग्रेजी अपने आप सीखने लगोगे। एक बकरी थी, वह बकरी एक घास के मैदान में चर रही थी, तभी एक सांप वहां पर निकला और उस सांप को देख करके बकरी जो है वह सावधान हो गई। जब सांप ने उसको काटने की कोशिश की तो वह वहां से भाग खड़ी हुई और सांप ने उसका पीछा किया। तभी चरवाहे ने उस सांप को देख लिया और उसके बाद उसने अपने डंडे से सांप को चुनौती दी। सांप ने अपने ऊपर खतरा भाप करके वह वहां से वापस लौट गया। जो लोग इस बात को देख रहे थे उन्होंने उस चरवाहे की प्रशंसा की, उन्होंने कहा कि वाह क्या चरवा, क्या बहादुर चौरा चरवाहा है। इसको मैं एक बार इंग्लिश में बोलता हूँ, इसके बताता हूँ मैं आपको कि इसमें किस किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। देयर वॉज अ गॉट एंड इट वॉज ब्लैक। द गॉट वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। Suddenly a snake appeared and it tried to bite the goat. The goat started to run away, but the snake chased it. Suddenly the goat man saw it and he challenged the snake with his bamboo stick. The snake was
the snake became fearful and it came back, and the spectators who were watching all these things said that, wow, what a god man he is. तो यहाँ पे हम लोगों ने जो बात की, यहाँ पर देखो बताना मैं चाहूंगा कि there was a god and it was black. अब यहाँ पर हम लोगों ने बातचीत की कि there was a god, वहां पर क्या क्या कि एक बकरी थी, there was a god. अब देखो god क्या है, this is the name of a species of cattle. यह जो है वह किसी जानवर के एक जाति का नाम है. तो यहाँ पर बताना मैं चाहूँगा कि जब कोई नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी जाति का नाम हो, किसी भाव का नाम हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं संज्ञा, या उसको कहते हैं लोग नाउन. तो हम लोग नाउन या संज्ञा के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे. तो गॉड क्या हो गया, गॉड हो गया यहाँ पे नाउन. तो यह पार्ट ऑफ स्पीच का पहला शब्द होता है जिसको हम लोग कहते हैं संज्ञा, जो किसी व्यक्ति विशेष के विशेष स्थान के नाम को व्यक्त करता है. हम लोग डिटेल में इसके बारे में आगे क्लास में पढ़ेंगे. इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, देयर वाज अ गॉड एंड इट वाज ब्लैक. अब यहां पे देखो शब्द आया इट, किस लिए इस्तेमाल हुआ, तो इट हैज बीन यूज्ड इनस्टेड ऑफ गॉड. जो इट है उसका प्रयोग जो है वो बकरी के लिए हुआ है. ऐसा कोई भी शब्द जिसका प्रयोग जो है संज्ञा के बदले में होता है उसको हम लोग कहते हैं सर्वनाम, और हिंदी में कहते हैं उसको, सॉरी अंग्रेजी में कहते हैं उसको प्रोनाउन, उसको कहते हैं प्रोनाउन. तो संज्ञा के बाद यहाँ पर आ जाएगा सर्वनाम, संज्ञा के बाद आ जाएगा आपका सर्वनाम. तो देयर वाज ए गॉड एंड इट वाज ब्लैक. अब यहाँ पे एक शब्द आपका आ गया ब्लैक. अब यहाँ पे देखो ब्लैक किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ब्लैक प्रयोग हुआ है यहाँ पर बकरी के लिए. यह ब्लैक जो है बकरी की विशेषता बता रहा है कि बकरी काली है, बकरी पीली है, बकरी कैसी है, तो बकरी काली है. तो यहाँ पर जब कोई भी शब्द ऐसा हो जो किसी भी नाउन की विशेषता बताए, द टर्म विच क्वालिफाइज द नाउन इट इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव, इसको हम लोग कहते हैं विशेषण. तो हम लोग एडजेक्टिव या विशेषण के बारे में भी आगे क्लास में विस्तार से बातचीत करेंगे. तो यहाँ पर आपका हो गया विशेषण. इसी तरीके से हम लोगों ने आगे यह देखा कि देयर वाज ए गॉड एंड गॉड वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड. गॉड या बकरी क्या कर रही थी, वह कोई काम कर रही थी, वह चर रही थी. तो यहाँ पर हो गया ग्रेजिंग. तो गॉड वाज ग्रेजिंग द ग्रास इन द फील्ड, वह क्या कर रही थी, बकरी जो है वह घास चर रही थी. तो यहाँ पर जब किसी भी शब्द से हमें किसी कार्य का होना या कार्य का होना या उसकी स्थिति का पता चलता है तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ब, उसको हम लोग कहते हैं वर्ब, या इसको हम लोग कहते हैं क्रिया. तो यहाँ पर जैसे ग्रेजिंग हो गया, जैसे ट्राई टू बाइट हो गया, काटना हो गया, है ना, इसी प्रकार से खेलना हो गया, सब क्या होते हैं, सब वर्ब. इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से आगे क्लास में बातचीत करेंगे. इसी प्रकार से हम लोगों ने बातचीत की कि सडनली ए स्नैक अपियर्ड एंड द गॉड स्टार्टेड टू रन फास्ट. जो बकरी है उसने, बकरी ने क्या किया, वह तेजी से भागना शुरू कर दी. जो स्विफ्टली होता है, जो फास्ट होता है, इस प्रकार के जो शब्द हैं स्टार्टेड टू रन फास्ट. अब फास्ट क्या है कि यह रनिंग की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता. जो ऐसा कोई शब्द जो वर्ब या क्रिया की विशेषता बताए उसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब, उसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब. अर्थात यह हो गया क्रिया विशेषण. अब एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, देखो कोई भी ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराता है उसको लोग नाउन या संज्ञा कहते हैं. कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन के बदले में आता है उसको लोग प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ईट, सी, ही, इट, दे, है ना, एक प्रोनाउन या सर्वनाम होते हैं. वह शब्द जो किसी भी नाउन की विशेषता बताता है उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग विशेषण कहते हैं. जैसे ब्लैक, व्हाइट, इसी प्रकार से आपका ये हो गया जो नाउन की विशेषता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे लोग एडजेक्टिव. इसी प्रकार से जिस क्रिया से होना या किसी स्थिति का पता चलता है उसको हम लोग कहते हैं वर्ब या क्रिया कहते हैं, जैसे ग्रेजिंग, जैसे प्लेइंग एक्सेट्रा. इसी प्रकार से आपका यहाँ पर हो गया कि जो वर्ब विशेषता बताए, रनिंग फास्ट, गोइंग स्लो, है ना, तो इसको ऐसे वर्ब जो शब्द होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वर्ब या क्रिया विशेषण.
अब यहाँ पर हम लोगों ने आगे बातचीत की कि देयर वाज ए गॉड एंड गॉड वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। बकरी क्या कर रही थी? बकरी जो है वह मैदान में चर रही थी। तो यहाँ पर इन क्या है? यह क्या? देयर वाज अ गॉड एंड गॉड वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। देयर वाज ए गॉड, यह जो बकरी है और उसका फील्ड के साथ में, मतलब दो नाउन या नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या संबंध होता है? तो नाउन या प्रोनाउन के पहले कोई भी ऐसा शब्द है जो उनके संबंधों को बताने के लिए किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रेपोजिशन। प्रे मतलब क्या होता है? पूर्व। किसी के पोजीशन को बताने के लिए आने वाला शब्द प्रे पोजीशन मतलब हो गया। इसको हम लोग कहते हैं संबंध, संबंध सूचक वाक्य। और बताना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट देर आर 150 प्रेपोजिशंस आर या यूज इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 150 के आसपास जो हम लोग प्रेपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि देर वाज ए गॉड एंड इट वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। देर वाज ए गॉड एंड इट वाज सॉरी ब्लैक। देर वाज ए गॉड एंड इट वाज ब्लैक। तो यहाँ पर देखो जो एंड का प्रयोग किया हम लोगों ने, यहाँ पे एंड का प्रयोग कर दिया था, एंड का देयर वाज ए गॉड एंड गॉड वाज ग्रेजिंग द फील्ड। यहाँ पर देयर वाज ए गॉड एक वाक्य था, एक बकरी है और बकरी क्या है? एंड इट वाज सॉरी बट वाज ब्लैक, और बकरी जो है काली है। यहाँ पर जो एंड है वो क्या करता है? वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए या दो फ्रेज को जोड़ने के लिए या फ्रेज या वाक्य को जोड़ने के लिए या किसी भी उपवाक्य या किसी जो है फ्रेज को जोड़ने के लिए हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। जिसको हम लोग कहते हैं कंजंक्शन, समन्वय सूचक वाक्य हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं, कंजंक्शन। इसको हम लोग कहते हैं संयोजक वाक्य, संयोजक। तो यह आपका हो गया संयोजक वाक्य, संयोजक। जैसे आपका यहाँ पर एंड हो गया, फॉर हो गया, फॉर हो जाता है। इसी प्रकार से आपका और हो जाएगा बट हो जाता है, इसका हम लोग कहते हैं कंजंक्शन, इसी प्रकार से लोगों ने क्या कहा कि वाओ, व्हाट अ ब्रेव गॉटमैन इज। यह जो गॉटमैन है वो कितना बहादुर है। तो जब किसी भी जो हम लोग के अंदर प्रमोशंस होता है, जो घृणा होती है, या इसी प्रकार से जब किसी को हम किसी भी एक्सक्लेम करना चाहते हैं, कोई विस्मय को प्रकट करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा भाव प्रकट करना चाहते हैं जिससे घृणा, जिससे दुख, जिससे खुशी के भाव व्यक्त होते हों, ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। इसको हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे कि वहाँ पर लोगों ने कहा कि वाओ, व्हाट अ ब्रेव गॉड मैन इज। तो वाओ यहाँ पर क्या हो गया? हो जाएगा इंटरजेक्शन। मतलब हो गया विस्मयादि बोधक शब्द। तो इनको हम लोग कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। देखो इन आठ जो प्रकार के शब्द हैं, इनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इनके माध्यम से हम लोग सेंटेंस का निर्माण करते हैं, और इसी कारण से इसको कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम लोगों का जो सबसे पहले हमारा जो सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, नाउन प्रोनाउन, इसके बाद एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो यह आपका हो गया नंबर एक, हम लोग इसको कवर करेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग और क्या पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर देखो आपने देखा कि जो हम पार्ट ऑफ जब स्पीच की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच में आठ प्रकार के शब्द आ गए। अब हमने क्या बताया कि शब्दों को मिलाने से क्या बनता है? शब्दों को मिलाने से बनता है वाक्य या सेंटेंस। तो सवाल यह है कि जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, ये वाक्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? क्या सभी वाक्य एक ही प्रकार के होते हैं क्या? जैसे आप कहते हो कि राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। अब आपने किसी से पूछा, किसी से, क्या राम क्रिकेट खेलता है? डज राम प्ले क्रिकेट? आपने आपने किसी व्यक्ति को से यह कह दिया कि राम क्रिकेट नहीं खेलता, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, या आपने कहा कि वाओ व्हाट ए प्लेयर राम इज, राम कितना बढ़िया क्रिकेट प्लेयर है, या वाओ व्हाट क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, राम के द्वारा कितना अच्छा क्रिकेट खेला जाता है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने यहाँ पर अगर बात करो, देखोगे तो ये चार जो हम लोगों ने सेंटेंस यूज किए, ये चारों सेंटेंस जो अलग अलग प्रकार के हैं। तो हम लोग यहाँ पर आगे की जो क्लास हम लोग की होगी उसमें बात करेंगे जो सेंटेंसेस हैं, जो वाक्य हैं, तो हम लोग वहाँ पर बात करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में कि जो हमारा वाक्य होगा उसमें लोग चार प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग assertive sentence,
सेंटेंस, इसे हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। और इसका सीधा मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, जिसमें हमें किसी स्टेटमेंट सकारात्मक वाक्य या घोषणात्मक वाक्य, जिससे हमें किसी भी सिंपल स्टेटमेंट की जानकारी मिलती है। जैसे हमने कहा राम प्लेस क्रिकेट, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यह कैपिटल लेटर से शुरू होगा और यह इसकी समाप्ति जो होगी वह फुल स्टॉप से होगी। राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, तो यह हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या रूल होंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जब विस्तार से पढ़ेंगे तब। इसी प्रकार से दूसरा हो जाएगा, अगर हम इसको लिखें कि राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो यह हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। यह हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, मतलब हो गया आपका नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य जैसे राम क्रिकेट नहीं खेलता है। तो यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर हम लोग नो नॉट इत्यादि का प्रयोग करेंगे तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वह वाक्य आपके नेगेटिव होते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तीसरा आपका हो जाएगा कि जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो यह होता है इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया राम प्लेस क्रिकेट, तो हम लोग पूछे क्या राम क्रिकेट खेलता है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि क्या राम क्रिकेट खेलता। तो यह वाक्य हो जाएगा आपका, यह आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव, या इसको हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथे प्रकार का वाक्य होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको कहेंगे हम लोग विस्मयादि बोधक वाक्य, जैसे वाओ व्हाट अ क्रिकेट प्लेड बाय राम, राम के द्वारा कितना अच्छा शानदार क्रिकेट खेला जाता है। तो यहाँ पर देखो चार प्रकार के सेंटेंस हो जाएगा। एक सेंटेंस और होता है, उसको हम कहते हैं इम्परेटिव, जिसमें किसी कमांड या एडवाइस की बात होती है, गो देयर वहाँ जाओ, कम हियर यहाँ पे आओ, तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हम लोग पाँच प्रकार के सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, तो एक आपका यहाँ पर इम्परेटिव भी हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। हालांकि बताना चाहूंगा कि जो असर्टिव सेंटेंस है उसके दो पार्ट हो जाते हैं, इम्परेटिव और नेगेटिव, तो हम लोग इसको अलग अलग भी देख सकते हैं। तो यह आज्ञात्मक वाक्य कहते हैं, इसको आज्ञात्मक वाक्य कहते हैं, जैसे गो देयर वहां जाओ, कम हियर यहां आओ, तो यहां पर जो कमांड या जब एडवाइस की बात होती है उसको हम लोग कहते हैं आपका इम्परेटिव सेंटेंस। तो हम लोग आगे के जो क्लास हम लोग की रहेगी, हमारा जो सिलेबस रहेगा, उसमें हम लोग इन प्रकार के सेंटेंसेस या वाक्यों के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस का मतलब क्या होगा, कि सेंटेंस इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच आर अरेंज्ड इन ए सर्टेन फॉर्म सो दैट वी कैन हैव सम डिफरेंट मीनिंग। जब हम क्या करते हैं कि शब्दों को एक निश्चित क्रम में सजाते हैं, जिससे कि एक सार्थक अर्थ निकलता है, इसको वाक्य कहते हैं। एंड सेंटेंसेस आर ऑफ 4 या 5 types, जो वाक्य होते हैं उनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट इसको असर्टिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, सेकंड इसको नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, थर्ड इसको इम्परेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, और फोर्थ इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयादि बोधक वाक्य, और इम्परेटिव सेंटेंस मतलब हो गया आज्ञात्मक वाक्य। और यहाँ पर हम लोग 5 प्रकार के जो वाक्य हैं उनको डिटेल में आगे क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वह आपका जो नेक्स्ट हम लोग की आगे क्लास रहेगी वह आपका रहेगा वॉइस या वाच्य। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि देखो कभी कभी क्या होता है कि किसी वाक्य में जो डूअर है उसकी प्रधानता रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो करता है उसकी प्रधानता, और किसी किसी वाक्य में क्या होता है कि वह प्रधानता होती है आपकी
आपकी जो वस्तु होता है जिस पर काम किया जाता है जिसको कर्म कहते हैं उसकी प्रधानता होती है। तो इंग्लिश में दो प्रकार के वॉइस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में वाच्य। दो प्रकार के वॉइस को कहते हैं वाच्य वाच्य वाच्य। तो एक वाच आपका होता है एक्टिव 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 और दूसरा होता है आपका पैसिव। एक्टिव और पैसिव, इसको हम लोग यदि हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह है आपका कर्तावाच और यह है आपका कर्मवाच, एक्टिव और पैसिव। जैसे कि राम राम ईट्स मैंगोज, राम ईट्स मैंगोज, राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो यहां पर देखो क्या करता है राम, यहाँ पर आम की प्रधानता नहीं, यहाँ पर राम की प्रधानता, राम आम खाता। लेकिन जब कहें कि मैंगोज मैंगोज आर ईटन बाई राम, मैंगोज आर ईटन बाई राम, आम राम के द्वारा खाया जाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है, आम मोहन के द्वारा खाया जाता है, आम सीता के द्वारा। तो यहाँ पे राम या श्याम मोहन की विशेषता यहाँ पर जो है वो उसको हम कौन फोकस नहीं कर रहे हैं बल्कि हम लोग मैंगो को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। तो हम लोग एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव जो वॉइस है वाच है उसको किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में भी बातचीत हम लोग करेंगे आगे क्लास में। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नंबर है कुछ नंबर होते हैं जो सिमिलर होते हैं, कुछ नंबर होते हैं प्लुरल होते हैं, तो नंबर के बारे में बात की जाएगी। इसी प्रकार से जेंडर है आपके में मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, तो ये जो जेंडर आपके हैं इन जेंडर के बारे में भी हम लोग इंग्लिश की क्लास में बातचीत करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका पार्ट होता है टेंस का। टेंस का टेंस एक प्रकार से इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच 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 सेज अबाउट इन विच पीरियड एनी इवेंट इज हैपनिंग। जो टेंस है वह क्या होता है, वह एक प्रकार से क्रिया ही होता है जो यह बताता है कि जो कार्य हो रहा है वह कब हो रहा है। तो कार्य अगर अभी हो रहा है तो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहेंगे, कार्य पहले हो गया उसको पास्ट टेंस कहेंगे, और कार्य यदि बाद में होगा उसको हम लोग कहेंगे फ्यूचर टेंस। तो जो टेंस होगा उसको हम लोग तीन प्रकार के टेंस पढ़ेंगे। आपका पहला आपका हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, या आपका हो गया वर्तमान काल। फिर दूसरा हो जाएगा आपका पास्ट टेंस भूतकाल, और तीसरा जो हो जाएगा वो आ जाएगा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, या आपका हो जाएगा भविष्यकाल। अब इन चारों इन जो ये जो तीन आपके टेंस हैं, इन तीन टेंस के आपके चार चार अलग अलग रूप हैं, चार चार रूप हैं, और वो कौन कौन सा है तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा है। तो पहले तो आपका हो जाएगा इन चारों का पहले आ जाएगा, पहले आ जाएगा सिंपल सिंपल, फिर या इसको इनडेफिनिट भी कहते हैं सिंपल। इसके बाद हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस, इसके बाद आ गया परफेक्ट परफेक्ट, और इसके बाद आ जाएगा परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपका प्रेजेंट का हो गया सिंपल कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट में मैं आपको कुछ उदाहरण दे चलता हूँ, जैसे कि राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, तो काम यहाँ पे लगातार चल रहा है। राम हैज प्लेड क्रिकेट, राम ने क्रिकेट खेल लिया है, तो कहा कि यह जो है कार्य अभी भी समाप्त हुआ है प्रेजेंट में समाप्त हुआ है। एंड और राम क्रिकेट खेल रहा है, तो राम क्रिकेट खेलता रहा है, तो राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता रहा है, मतलब पहले भी खेला था, आज भी अब भी आगे खेलेगा। इस प्रकार के जो वाक्य आपके होंगे प्रेजेंट में हो गया प्रेजेंट सिंपल सिंपल प्रेजेंट, या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट में राम क्रिकेट खेलता था, राम क्रिकेट खेला, या राम क्रिकेट खेलता था, राम क्रिकेट खेल रहा था, राम क्रिकेट खेलता रहा था, इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे और पास्ट में आ जाएगा। फ्यूचर में इसी प्रकार से आएगा राम क्रिकेट खेलेगा, राम क्रिकेट खेल राम क्रिकेट जो है खेलता रहेगा, इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे वाक्य फ्यूचर में आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो टेंस है टेंस के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे, यह एक लंबी क्लास होती है, इसको हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके नियम रूल क्या है, किस प्रकार से हम लोग इसको फ्रेम करते हैं वर्ड को, किस प्रकार से वाक्यों को फ्रेम किया जाता है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा
जो आपका देखिए कुछ जो हजम हम किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो हम लोग देखिए दो तरीके से बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि मैंने कहा या राम ने कहा कि वह एक निर्दयी लड़का है। राम ने कहा कि वह एक निर्दयी आदमी है। राम सेड ही इज अ क्रूअल मैन। राम सेड दैट आई एम ए क्रूअल मैन। अब देखो इसको अगर आप इसको अगर चेंज करना चाहोगे तो कर सकते हो कि राम सेड दैट ही इज अ क्रूअल मैन। तो देखो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपका हो गया कि राम सेड I am a cruel man. I am a cruel man. तो यहाँ पर देखो ये जो आप देख रहे हैं दो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ पे जैसे राम ने कहा वैसे हूबहू आपने कह दिया इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच, इसको हम लोग कहेंगे यह प्रत्यक्ष वाक्य है, यह जो है प्रत्यक्ष कथन है या इसको सीधा कथन कहेंगे। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कथन है इसका आंसर कहते हैं लोग यह है नरेशन। तो नरेशन तो यहाँ पर हो गया आपको डायरेक्ट स्पीच। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग अगर चेंज करना चाहे कर सकते हैं कि राम टोल्ड या राम सेड टू मी या राम टोल्ड दैट ही वाज अ क्रूएल मैन। ही वाज अ क्रूएल मैन। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोगों ने अपने आप से कह रहे हैं कि राम ने क्या कहा, किसने कहा कि वह एक क्रूएल आदमी है, वह एक क्रूएल आदमी है। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा डायरेक्ट, यह हो जाएगा इनडायरेक्ट, यह हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, इसके रूल क्या है, इस रूल के बारे में भी हम लोग यहाँ पे आगे क्लास में बातचीत करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्ड हैं वर्ड के जो रूट होते हैं वह कहाँ से होते हैं, कहाँ से कोई वर्ड आया और उस वर्ड में क्या मिला देंगे जिससे कि नए वर्ड बन जाते हैं। अब बताना चाहूंगा कि अगर आप इंग्लिश की बात करोगे तो इंग्लिश में समय 10.5 लाख, मतलब आपको बताना चाहूंगा कि 10 लाख से भी अधिक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये शब्द कहाँ से आए, इनके रूट क्या है, हम लोग ढेर सारे शब्दों के बारे में इस तरीके से बातचीत करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास सही तरीके से की तो मैं आपको इंग्लिश बहुत कॉन्फिडेंट लेवल तक पहुँचा दूंगा। और लेकिन क्लास आपको कॉन्टिटी में करनी पड़ेगी, तो ये आपका सिलेबस रहेगा। और हम लोग इस तरीके से अब कल की क्लास आपकी पॉलिटी क्लास रहेगी जिसमें मैं आपको भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ाऊंगा। फिर अगले दिन की जो नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी, नेक्स्ट क्लास में जो है फिर मैथ्स पढ़ाऊंगा। इसी प्रकार से एक एक दिन या फिर दो दो वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दिन में मैं आपको कम से कम 2 वीडियो बना करके दे दूँ तो जिससे कि आपकी क्लास में तेजी से आगे की तरफ चले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एक बार मेरे साथ नेत्रों को बंद कर लें और भगवान को याद करें। हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।